प्रेरणा कथा। पिताजी कम बोलते थे। 9 घंटे का जहाज का सफर लंदन से दिल्ली तक, और उसके बाद दिल्ली से शिमला के लिए ट्रेन पकड़ना। वो हजारों किलोमीटर की यात्रा हो चुकी थी। सनत बहुत ही थका हुआ था। शिमला से फिर उसको टैक्सी लेकर अपने गांव भी जाना था। उसमें भी 2 घंटे लगने थे। समय सोच रहा था कि इन मोबाइल फोनों ने भी आराम खराब कर दिया था, क्योंकि उसकी माँ हर 1 घंटे बाद फोन कर रही थी और पूछ रही थी कि वो कहाँ पहुंचा था। अचानक उसके फोन की घंटी बजने लगी। उन्होंने पूछा, बेटा तुमने खाना खा लिया है कि नहीं? तुम्हारी ट्रेन अभी शिमला से कितनी दूर है? समझ ने ऐसे ही कह दिया, पिताजी बस अब शिमला पहुंचने ही वाली है। पिताजी ने कहा, मैं शिमला स्टेशन पर ही हूं। तेरी माँ ने तेरे लिए गर्मा गर्म खाना हॉट केस में पैक कर दिया है। पहले तुम और मैं शिमला में खाना खा लेंगे, फिर टैक्सी से घर चलेंगे। समझ हैरान था कि उसके माता पिता अभी तक उसकी इतनी चिंता करते थे। वो 30 वर्ष का खाता कमाता नौजवान था और लंदन की एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करता था। वो सिर्फ मुस्कुराकर रह गया। शिमला स्टेशन पर उसके पिताजी उसका इंतजार कर रहे थे। हालांकि उनको स्टेशन पर 1 घंटे से ज्यादा इंतजार करना पड़ा था। उनके हाथ में हॉटकेस था। बेटे को गले लगाने के बाद वो उसके सामान उतारने में उसकी मदद करना चाहते थे, परंतु समझ ने उनको एक बेंच पर बैठा दिया। पिताजी को चलने में कुछ तकलीफ होती थी और वो बहुत धीरे धीरे चलते थे। उन्होंने कहा, बेटा खाना खाकर हम कॉफी भी पियेंगे, तुम यही बेंच पर बैठो, मैं कॉफी लेकर आता हूं। सनद उनके प्रेम को देखकर उनको रोक नहीं सका। वो कॉफी लेने चले गए। सनद बेंच पर बैठा बेचारा में खो गया। उसके पिताजी फौज के एक बहुत सम्मानित प्राप्त अफसर थे। कश्मीर में लड़ते हुए एक दिन एक हमले में उनकी टांग में गोली लग गई थी। तभी से उनकी वो टांग कमजोर हो गई थी। सनत को अपना बचपन याद आया। उसने अपनी शिक्षा सैनिक स्कूलों और कॉलेज में ही प्राप्त की थी। बचपन से ही वो फौजियों के बीच रहा था। भारत के बहुत से शहरों में वो अपने पिताजी और माँ के साथ रह चुका था। फिर बड़ा होकर उसने बिजनेस मैनेजमेंट की डिग्री प्राप्त की और लंदन चला गया, जहाँ उसको एक बड़ी कंपनी में काम मिल गया था। उसके पिताजी धीरे धीरे कॉफी के 2 कप हाथ में लिए चले आ रहे थे। सनद ने स्वयं कॉफी लाने के लिए पिताजी को नहीं कहा था, क्योंकि वो जानता था कि फौजी थे और वो बुरा मान जाते, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि उनका बेटा सोच रहा था कि वो बूढ़े हो गए। 2 घंटे के बाद वो अपने घर पहुंच गए। सनद ने टैक्सी वाले को पैसे दिए और सामान भर के अंदर ले गया। उसकी माँ ने उसको सीने से लगा लिया। सनद के मन में बहुत से तूफान उठ रहे थे। उसकी माँ ने कहा, अब इस बात को मैं तुझको बहुलाए बिना नहीं जाने दूंगी, बहुत हो गया है। उसके पिताजी ने सिर्फ इतना कहा, कमला उसको कुछ मत कहो, फौजी का बेटा है, अपने निर्णय अपने आप लेगा। सनद के मन में तूफान थे। वो कैसे उनको बताता कि उसने लंदन में 3 बरस पहले ही शादी कर ली थी। उसकी पत्नी मारिया अंग्रेज थी। उसको मालूम था कि निष्ठावान भारतीय माँ बाप ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। जाने से पहले उसकी माँ ने उसको कहा था, बेटा लंदन जा रहा है, पर मुझे वचन देकर जा कि शादी तू हिंदुस्तानी लड़की से ही करेगा। अगर किसी गोरी से शादी की तो मैं तो उसी दिन मर जाऊंगी। सनत चुपचाप माँ की बातें सुनता रहा। उसके कानों में 5 बरस पहले कहे हुए माँ के शब्द गूंज रहे थे। वो उठकर अंदर के कमरे में चला गया। सनत 1 हफ्ते तक हर दिन माँ के वही शादी करने के अनुरोध सुनता रहा। वो कुछ और बात शुरू कर देता था और उनके शादी के प्रश्न को टाल देता था। एक दिन शाम को उसको उसके पिताजी ने अपने कमरे में बुलाया। उन्होंने मेज पर एक आर्मी की रम की बोतल और 2 ग्लास रखे थे। वो बोले, आ बेटा दो दो पैग हो जाए, फौजी स्टाइल में, बहुत दिन हो गए किसी के साथ बैठकर पिए हुए। एक पैग पीने के बाद समझ ने उनको अपने काम और लंदन के बारे में बताना शुरू कर दिया। उसके पिताजी चुपचाप सुनते रहे।
उन दोनों ने काजू खाते खाते एक घंटे में तीन तीन पैग्राम पी ली। रमन को थोड़ा नशा हो गया था, परंतु उसके फौजी पिताजी बिल्कुल गंभीर थे। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, समद तुम कुछ कहना चाहते हो मैं जानता हूं, पर अगर तुम नहीं बताना चाहते तो मत बताओ। समझ जानता था कि उसके पिताजी बहुत कम बोलते थे, परंतु उनके अंदर भी बहुत से सवाल थे। समझ ने हिम्मत करके कहा, पिताजी पिताजी असल में बात यह है कि वो रुक गया और गिलास में बची हुई रम एक घूंट में पी लिया। उसके पिताजी ने कहा, बोल दो डरो मत। पिताजी मैंने 3 वर्ष पहले शादी कर ली है, मेरा एक बेटा भी है। उनके हाथ से उनका गिलास गिरते गिरते बचा। वो कुछ बोले नहीं और बोतल में से अपने गिलास में रम उड़ेलने लगे। एक पैक और पीने के बाद हंसने लगे और बोले, इंडियन है या कहीं और की? जी ब्रिटिश गोरी है, अंग्रेज है, मरियम। वो और जोर से हंसने लगे, अब आएगा मजा। तेरी माँ को मनाने में तो थोड़ी देर लगेगी, पर गांव में मेरा रौब और बढ़ जाएगा। अंग्रेज पोते पोतियों का दादा, रिटायर मेजर हिम्मत सिंह, अंग्रेज पोते पोतियों का दादा। उन्होंने उठकर सनत को गले से लगा लिया और कहा, बस इतनी सी बात थी और तू 3 साल से घुट घुट कर दी रहा था। अरे यार, पहले बोल देता तो बहू और बेटे को भी साथ ले आता। पिताजी दूसरे कमरे में चले गए और सुमित की माँ से बातें करने लगे। सुमित अकेला अपराधी जैसा महसूस कर रहा था। आधे घंटे के बाद माँ और पिताजी दोनों अंदर आए। माँ बोली, अरे पगले, मैंने तो ऐसे ही कह दिया था कि अंग्रेज से शादी मत करना। मेजर की पत्नी हो, कोई रूढ़िवादी बूढ़ी नहीं। जल्दी से फोन कर और बहू और मेरे पोते को भी बुला ले। आप समझ ने माँ और पिताजी को गले से लगा लिया और फिर हंसते हुए कहा, कल आप उनसे भी मिल लेंगे, वो दोनों दिल्ली में एक होटल में हैं। मेरा एक इंडियन दोस्त और उसकी वाइफ भी हमारे साथ आए, मैं अभी फ़ोन करता हूँ, वो सब कल ही यहाँ आ जाएंगे। पिताजी ने रात का खाना खाते हुए कहा, तू तो बहुत ही तेज निकला मेरे बेटे, तूने तो बहुत बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, पर इस सर्जिकल स्ट्राइक ने मुझे फिर से जवान बना दिया है। प्राउड ऑफ यू माई सन। अगली सुबह माँ बहुत सी पड़ोसियों को बुला लाई और घर को फूलों और रंगीन कागजों से सजाने लगी। चारों तरफ चहल पहल हो गई, पूरा गांव इकट्ठा हो गया। पिताजी के दोस्त यार सब आकर बगीचे में बड़े बड़े बर्तनों में मीट चिकन और अन्य चीजें बनाने लगे। 300 परिवारों के उस गांव में उत्सव जो होने वाला था। सभी बूढ़े हंस हंस कर कह रहे थे, विलायती बहू आ रही है गाँव में, मेजर साहब के बेटे ने तो लंदन ही लूट लिया। समत खुशी खुशी अपने माता पिता का तैयारियों में हाथ बटाने लगा। मित्रों, कितना अच्छा होता कि सभी माँ बाप अपने बेटे बेटियों की इच्छाओं का ख्याल करते और उनको अपनी अपनी इच्छा से जीवन साथी सुनने का अधिकार दे देते। हवा तो बदल रही है, परंतु अब भी शायद कई दशक लग जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।